आज कुछ खास खबर। गुरुवार को महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि की शुरुआत हो गई, जहां बाबा को हल्दी उपटन का लेप लगाया गया, वहीं महिलाओं द्वारा मंगल गीत भी गाए गए। इस वक्त हम खड़े हैं बाबा महाकाल के दरबार में। जी हां, आज से शिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। शिवरात्रि पर्व 21 तारीख को मनाया जाएगा पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, लेकिन उज्जैन शहर में बाबा महाकाल के दरबार में एक अलग ही स्वरूप में बाबा महाकाल को सजाया जाता है। आज भी उन्हें दूल्हे के रूप में आज से सजाने की जो शुरुआत है, सजा गया है उनको, हल्दी से उन्हें लगाई गई है और आज से शिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। और इस स्वरूप को देखने के लिए बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु दर्शन लाभ ले रहे हैं। उज्जैन से विकास त्रिवेदी, ओम टुडे न्यूज। उज्जैन में शिव नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत कोटी तीर्थ स्थित श्री कोटेश्वर महादेव के पंचामृत अभिषेक पूजन के साथ ही महाकाल मंदिर में प्रारंभ हो गई। शासकीय पुजारी की उपस्थिति में भगवान को चंदन का उपटन लगाया गया, वहीं महिलाओं ने ढोलक की थाप पर विवाह के मंगल गीत भी गाए। वही शिवरात्रि अब तक प्रतिदिन भगवान महाकाल भक्तों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देंगे। जिस प्रकार नगरकोट माता पर अवंतिका नगरी की रक्षा का भार माना जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री कोटेश्वर महादेव पर महाकाल वन की रक्षा का भार भगवान महाकाल द्वारा सौंपा गया है। शिव नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत कोटेश्वर महादेव के पंचामृत पूजन अभिषेक के साथ होती है। सुबह शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा एवं गगारा ब्राह्मणों द्वारा श्री कोटेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक कराया गया। दो दिन का पूरा अनुष्ठान चालू हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कोटेश्वर महादेव जो कुंड के यहाँ पर कोटेश्वर महादेव में पहले उनका पूजन होता है, उसके बाद महाकाल का पूजन होता है। तो एकादश ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कोटेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन अर्चन कर उसके बाद महाकाल का पूजन अर्चन चालू हुआ है। 9 दिन तक प्रातःकाल सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एकादश ब्राह्मण बैठकर पूरा एक पूरा अनुष्ठान करेंगे, पूरा अभिषेक पूजन होगा। उसके बाद रोज नित्य नए श्रृंगार बाबा को करे जाएंगे। इसी श्रृंखला में आज भगवान को भांग का श्रृंगार होगा, कल शेष नाग का, फिर चंद्रमौलेश्वर, फिर मन महेश, फिर उमा महेश, शिव तांडव, ऐसे पंच मुगाटे करते हुए 9 दिन तक अलग अलग विभिन्न प्रकार के श्रृंगार बाबा को अर्पण किए जाएंगे। शिव नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक श्री कोटेश्वर महादेव के अलावा भगवान महाकाल के गण वीरभद्र व मानभद्र का अभिषेक किया जाता है। वहीं उनके द्वारा भगवान महाकालेश्वर का पूजन अभिषेक प्रारंभ होता है। श्री कोटेश्वर महादेव का पूजन शिवरात्रि के अलावा प्रदोष पर भी किया जाता है। 9 दिनों तक शिव नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत भगवान को चंदन का उपटन व माँ पार्वती को हल्दी लगाई जाएगी। इसके बाद भगवान महाकाल भक्तों को 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों में जैसे मनमहेश, शिव तांडव, घटाटोप, शेषनाग, छबीना, होलकर, उमा महेश रूप में दर्शन देंगे। शिवरात्रि पर रात 9 बजे से रात को 12 बजे तक श्री कोटेश्वर पूजन होगा। वहीं इसके बाद रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक भगवान महाकाल का महापूजन होगा। इसके बाद 1000 बिल्वपत्र, सप्तधान, मुखोटा, मंत्रोच्चार के बीच भगवान को अर्पित किए जाएंगे। महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महाउत्सव महापर्व फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी से प्रारंभ हो गया है। बाबा महाकाल में आज सुबह कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन के पश्चात भगवान महादेव का महाअभिषेक 11 ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है, मंदिर के पुजारी परिवार के द्वारा किया गया है। सायंकाल भगवान शिव ने यहाँ पर वस्त्र धारण करे हैं। आज से ही भगवान महादेव के नए नए वस्त्र धारण करने के साथ नए आभूषण और नए नए स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन भगवान महाकाल देंगे। देखिए, शिव नवरात्रि का अर्थ है शिव के 9 दिन। 9 दिन तक भगवान शिव की तपस्या, साधना और योग के दिन है। मंदिर के पुजारी परिवार के द्वारा 9 दिन तक भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव आज वस्त्र धारण करने के साथ में निराकार से साकार रूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं।